हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे इज क्लास 12, चैप्टर नंबर 2, मनी एंड बैंकिंग, पार्ट 3। आपका दो पार्ट पूरा हो गया मनी एंड बैंकिंग में, ये पार्ट 3 है। इसमें सप्लाई ऑफ मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सप्लाई ऑफ मनी के बारे में नोन होंगे। सप्लाई ऑफ मनी इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपुल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें आपको बताया गया है कि एक ही समय में कितने लोगों के पास आप मनी है, उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं, क्योंकि लोगों के थ्रू जो मनी होते हैं वही आपका मनी ऑफ सप्लाई कहलाता है। इसको हम मेजर ऑफ मनी सप्लाई के थ्रू जानेंगे। इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं। M1 जो आपका आता है वो नैरो मनी के मतलब अंडर में भी आता है। M1 का फॉर्मूला होता है C+DD+OD। सी मीन्स हो गया करेंसी विद द पब्लिक, डी मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, और थर्ड आपका है OD। OD जो होता है अदर डिपॉजिट विथ RBI। इसमें क्या होते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे DD ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक जो होती है पब्लिक फाइनेंसियल होता है, वो RBI के यहाँ अपने करेंसी को जमा किया रहता है, उसको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। जैसे सेकंड है DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कुछ अपने करेंसी RBI के हैं जमा रखते हों, उसको भी हम अदर OD में ही लाते हैं। और थर्ड है आपका DD ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। और जो आपकी विदेशी बैंक है, जो आपके सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के थ्रू जो बैंक होते हैं, उनके भी करेंसीज क्या होते हैं RBI के यहाँ रिजर्व रहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं कि ये RBI के यहाँ अपने करेंसी को जमा करके सुगर। तो आपका पब्लिक फाइनेंशियल में जो होता है वो NABARD आ जाता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे आते हैं आपके। और DD ऑफ फॉरेन का सेंट्रल बैंक में जो होता है आपका फॉरेन सेंट्रल बैंक आ जाते हैं। जो भी आपके फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। आपको छोटा सा एक पॉइंट है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कभी कभी क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में अराइज करता है। वो कभी एक नंबर का होता है, कभी कभी तीन नंबर के होते हैं। तो उसमें आपको उसके फंक्शन उनसन बताना पड़ेगा। तो सप्लाई ऑफ मनी आपको पता ही है कि RBI के थ्रू होता है। अगर आप उसका होल डिफिनेशन देना चाहेंगे तो उसका ये होता है कि कोई भी कंट्री का सेंट्रल जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी को इशू करता है, वही हमारा मतलब सप्लाई ऑफ मनी में आता है। और आपके इंडिया में जो है वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सप्लाई मनी का सप्लाई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा नोन हो जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।